अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको पता है जैसे मैं मुख्तलिफ वीडियोस बनाते रहता हूँ, आज मैं मौजूद हूँ अलमदीना की अलमदीना हाउसिंग सोसाइटी में। यहाँ पर मौजूद है बॉडी आर्ट्स फिटनेस जिम, जो कि मोहम्मद नौमान राव का है और उन्होंने ये जिम बनाया है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शहबाज, जो कि दो दफ़ा मिस्टर हैदराबाद रह चुके हैं और एक दफ़ा सिंध मिस्टर सिंध की सेकेंड पोजिशन ले चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम शहबाज भाई। वालेकुम सलाम नवीद भाई। शहबाज भाई, कैसे शौक हुआ जिम बॉडी तन साजी का? नवीद भाई, कुछ दोस्त थे, जाते थे जिम में, तो उनको देख के शौक चढ़ गया था मुझे, तो मैंने बोला मैं भी ज्वाइन करके देखता हूँ। ज्वाइन करा तो शौक बढ़ता गया, जिस तरीके से बढ़ता गया तो माशाल्लाह कामयाबी हासिल करी, तो आज आपके सामने हैं। माशाल्लाह 3 साल हो गए क्लब खुले हुए को अलमदीना के अंदर। बाकी आपके सामने जो भी शौक करा, दिल से करा, ये मेहनत रंग लाई, बहुत अच्छा लगा हमें। माशाल्लाह मेहनत अभी भी जारी है, आगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तैयारी चल रही है मिस्टर पाकिस्तान तक की, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। कौन से कैटेगरी में आपने दो दफ़ा मिस्टर हैदराबाद रह चुके? मैं मॉडल फिज़िक में हाइट होती है, हाइट देखी जाती है, अपर बॉडी देखी जाती है, फिज़िक प्यारी, मतलब फिज़िक ज़्यादा अच्छी है, तो आप माशाल्लाह कटिंग फिज़िक देखी जाती है उसमें हाइट के हिसाब से, तो ये हाइट के हिसाब से खेली जाती है। माशाल्लाह पिछले साल भी क्लास विन की थी मैंने, डिस्ट्रिक्ट खेला था, इस साल भी क्लास विन किया, इस साल मैं डिवीज़न खेला था मिस्टर हैदराबाद, दोनों दफ़ा मैंने क्लास विन की है, टाइटल हासिल करें माशाल्लाह। और मिस्टर सिंध में दोनों दफ़ा मैं सेकंड पोजीशन पे आया हूँ, पिछले साल भी, इस साल भी, तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि वो मैं क्लास विन करूँ तो मैं मिस्टर पाकिस्तान के लिए तैयारी करूँगा इंशाल्लाह। और किसी ने आपको शहर में अप्रिशिएट किया, क्योंकि इधर बहुत बड़े बड़े नाम हैं लेकिन बस ऊँची दुकान और फीके पकवान वाली मिसाल है, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को इधर टंडोजाम में बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे माशाल्लाह नुमान भाई की बहुत सपोर्ट है, नुमान भाई सेठ भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो इसकी बहुत सपोर्ट रही है हर चीज़ में मुझे, तो आज माशाल्लाह आज कामयाबी हासिल करी है, तो 3 साल हो गए क्लब को, क्लब भी खोल के दिया मुझे, भाइयों की तरह समझा हुआ है। ट्रेनर भी हैं आप? ट्रेनर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ माशाल्लाह, तो सर्टिफिकेट हर चीज़ मेरे पास है इस चीज़ के, तो लड़कों को सिखाता हूँ, 200-250 लड़के हैं माशाल्लाह क्लब के अंदर, तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। पर नौजवानों से मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह जिम ज्वाइन करें, आजकल के जो नौजवान हैं लगते ही नहीं हैं लड़के हैं क्या लड़की, पता ही नहीं चलता है इन लोगों का, तो मैं कहता हूँ कि जान का अपना हिफाजत करें। कितने साल लगे बॉडी बनाने? नवीद भाई, बॉडी तो मेरी 7 महीने में बन गई थी, उसके बाद मैंने माशाल्लाह कंटिन्यू करता आया, मना जैसे 2 महीने करी, 3 महीने छोड़ दी, इस तरीके से फिर करते करते माशाल्लाह 6 साल हो गए मेरे को, पर बहुत कम उम्र में माशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल हुई है उस्तादों की दुआओं से, कुछ नुमान भाई की माशाल्लाह हाथ रहे मेरे सर पे। उस्ताद आपने सुना होगा शायद साईं यार मोहम्मद शाह पहलवान, आप तो जानते हो गए, पूरे सिंध में पहले नंबर पहलवान था, मरहूम बेचारा इंतकाल हो गया उसका, उसने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया इस बारे में, कि उस टाइम कुछ दौरान ऐसा वक्त आया था कि दिल खट्टा हो रहा था मेरा एक्सरसाइज से ना, सारे कह रहे थे कि सप्लीमेंट ले लो, इंजेक्शन लगा लो, ये ले लो, फिर आपकी बॉडी बनेगी वरना नहीं बनेगी, आपके मसल गेन नहीं होएंगे, वो नहीं होएंगे, उस्ताद मुझे समझाता था, बोलता था इन चीज़ों में कभी भी नहीं पड़ना, आप जितनी मेहनत खुद कर सकते हो करो, और एक्सरसाइज ऐसे करो कि जैसे इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, वैसे आप अपनी चीज़ एक्सरसाइज से मोहब्बत करो, एक एक चीज़ से जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो उससे ऐसी मोहब्बत करो कि आपको इतनी मोहब्बत है आप उसको चूमो, फिर आप देखो आप क्या होते हो, आप उसकी कदर करोगे लोग तुम्हारी कदर करेंगे। और माशाल्लाह अल्लाह शुक्र, अपने शागिर्दों को कौन सी डाइट का मशवरा दे? मैं तो नेचुरल डाइट बोलता हूँ शागिर्दों को, नेचुरल खाएं, जैसे सर्दियाँ हैं तो असली घी यूज़ करें, मक्खन वगैरह यूज़ करें, अभी गर्मियाँ हैं, गर्मी
आदमियों के हिसाब से डाइट बताता हूँ पर नेचुरल बताता हूँ। जो आम रूटीन में खाते हैं लोग घर में, जैसे दाल होगी, लोबिया होगी, ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें खाने को मैं कहता हूँ। जैसे चावल हो गए, लोग बिरयानी भी खा रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ लड़कों को ये चीज़ें यूज़ करो, बाकी सप्लीमेंट के वगैरह में नहीं पड़ो, ना कोई इंजेक्शन के चक्करों में पड़ो, क्यों, नेचुरल बॉडी नेचुरल होती है। कितने आपकी जिम में कितनी जो तन बॉडी बनाने की मशीनें? माशाल्लाह 16-17 मशीनें हैं जिसमें कार्डियो भी है, कार्डियो अलग से हैं, बाकी बॉडी बनाने की मसल गेन के लिए और लॉस के लिए माशाल्लाह 16-17 मशीनें हैं जिम के अंदर। क्या कहेंगे नई जनरेशन को, नौजवान नस्ल? मैं यही कहूँगा अपनी सेहत का ख्याल करें, क्यों, जान है तो जान है, सेहत है तो हर चीज़ है। आप फौज में भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, क्यों, वो तो पर्सनैलिटी देखते हैं बंदे की, हाइट देखते हैं, अगर हाइट नहीं तो जान देखेंगे, अगर हाइट में थोड़ा इशू होता है तो वो जान देखते हैं बंदे की, सेहत का ख्याल नहीं कर रहे। माशाल्लाह हर चीज़ अल्लाह की दी हुई, जिम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ खर्च करें अपने आप पे, जिम आएँ, माशाल्लाह जान का ख्याल, हिफाजत करें, गेमों के चक्करों में पड़े हुए हैं, हर चीज़ के चक्कर में हैं, जान का ख्याल नहीं है। सिक्स पैक कैसे बने? सिक्स पैक नवीद भाई, ये सुबह बनते हैं, सुबह एक्सरसाइज करी जाती है इसकी, और खाली पेट, क्यों, खाली पेट जो करी जाएगी ना एक्सरसाइज, वो असर करती है पेट। बाकी शाम का टाइम है, शाम का टाइम भी अच्छा है, बाकी सुबह रनिंग के बाद बंदा इसके 2-3 सेट मारे तो स्टेप तो सारों को पता है, आजकल यूट्यूब का दौर है, यूट्यूब पे देखते हैं, पर ये सुबह के टाइम करें बंदे और माशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी रिजल्ट आएगा, 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आगे क्या बनने का इरादा है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए या नहीं? नवीद भाई अभी इंशाल्लाह मैं तैयारी कर रहा हूँ मिस्टर सिंध की, 2-3 महीने हैं उसमें, और मिस्टर पाकिस्तान, अगर मैं क्लास विन करता हूँ तो मैं मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी करूँगा, अगर सेकंड पोजीशन आई तो फिर मेरी दोबारा यही, क्यों, उस्ताद मुझे कहता था जब तक आप अपना मकसद में पूरे नहीं हो ना कामयाब, तब तक दूसरे की तैयारी नहीं करो। अभी मैं इसमें जब तक क्लास विन नहीं करूँगा तब तक मैं मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी नहीं करूँगा, अगर इसमें क्लास विन आती है, आग हो जाती है, तो इंशाल्लाह मैं मिस्टर पाकिस्तान की भी तैयारी करूँगा। बहुत शुक्रिया शहबाज। दोस्तों मेरे साथ मौजूद थे शहबाज, 2 दफ़ा मिस्टर हैदराबाद रह चुके हैं, और तन साजी के मतलब ये एक पहलवान से आए ना, आपने देखा होगा टिकटॉक स्टार पे एक और पहलवान है जो पहलवान से बॉडी बिल्डर बने लाहौर के, तो इसी तरह शहबाज भाई हैं, मिस्टर सिंह में सेकंड नंबर पे आए, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मिस्टर पाकिस्तान बनाए और हमारे शहर का बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये नाम रोशन करें, इस क्लब का ये नाम रोशन करें जिस क्लब से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को ज़रूर फेसबुक पे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।